भाई तुझको क्या लग रहा है, आज इतने साल बाद भी अपन का देश बदल रहा है कि नहीं? बदल तो रहा है ना अपना देश। यहाँ लड़कियां भाव खा रहे, लड़के धोखे खा रहे, पुलिस वाला रिश्वत खा रहा है, पॉलिटिशियन माल खा रहा है, किसान जहर खा रहा है, जवान गोली खा रहा है। तो तू बता कौन बोलता है भारत देश भूखा मर रहा है? झाड़ू वाला मुख्यमंत्री, चाय वाला प्रधानमंत्री, 12वीं पास देश की शिक्षा मंत्री, अंगूठा छाप सरपंच बने फिर रहे, और हम यहाँ ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रुप ग्रुप खेल रहे, और वो भी मैसेज कैसे, ओम नमः शिवाय। अगर इस मैसेज को आपने इग्नोर किया तो शाम से पहले आपको बुरी खबर मिलेगी, जय बजरंगबली। अगर इस मैसेज को 11 लोग को फॉरवर्ड नहीं किए तो आपके किडनी में घुटना अटक जाएगा, वगैरह वगैरह करके मैसेज हम भेजते रहते। हमारे यहाँ अकेला आदमी परिवर्तन लाता है तो शादीशुदा आदमी सब्जी लाता है, जिनको हम चुनते हैं साला वही हमें ढूंढते, फिर चाहे बीवी हो या पॉलिटिशियन, दोनों किसी की कहाँ सुनते। कभी कभी तो मेरे भाई मेरे को समझता ही नहीं कि मेरे देश में क्या चल रहा है। पेट खाली है और योगा करवाया जा रहा है, जेब खाली है और खाता खुलवाया जा रहा है, रहने को घर नहीं और शौचालय बनवाया जा रहा है, रेल हादसे खत्म नहीं हो रहे और बुलेट ट्रेन लाया जा रहा है, गांव में बिजली नहीं है और डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, आटा महंगा हो गया है और डेटा सस्ता करवाया जा रहा है, साला जाति की गंदगी दिमाग में, और स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। मेरे भाई अगरबत्ती दो प्रकार की होती है, एक भगवान के लिए, दूसरा मच्छर के लिए। लेकिन तकलीफ ये है कि भगवान आते नहीं और मच्छर जाते नहीं। यार मुझे तो ये सिस्टम तब समझ में आया जब मैरी कॉम ने पूरी जिंदगी में जितना पैसा नहीं कमाया उतना प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम के ऊपर बायोपिक बनाकर कमा लिया। मेरे भाई पूरा दिन हम यही सोचते कि अब बदलाव लाएंगे, अब बदलाव लाएंगे, और यही हम रोज सोचते, और यही सोच सोच के सोच सोच के शौच निकल जाता, लेकिन साला हम आगे नहीं निकल पाते। यार इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे, इसका मतलब ये है कि आज भी हमारी सोच पीछे। मेरे भाई हमारे यहाँ आज भी एकता नहीं है, इसलिए तो साला गरीब लोग मौके की तलाश में मर रहे और अमीर लोग गरीबों का मौका लेके मार रहे। यार आज तो हमारी देश की मिट्टी तो सलामत है, लेकिन यार इस मिट्टी पर हम जाति धर्म के नाम पर आपस में ही मिटते जा रहे। मेरे भाई यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है तुझे? यहाँ साला सच्चे लोग कभी टिके नहीं और बुरे लोग कभी दिखे नहीं। और अब तू बता कि हमारा देश बदल रहा है या नहीं। भाई तूने आज अपन की आंखें खोल दी, आज से साला अपन देश बदलेगा। तेरी माँ का तेरा थोबड़ा फोड़ देगा, पहले जाके अंडरवेयर बदल, 3 दिन से नहाए नहीं, बेशर्म, देश देश बदलेगा, देश बदलेगा।